हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचा अपने चैनल हेल्थ दिवा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है सिजेरियन के इंडिकेशन। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हमेशा डरते रहते हैं, मैडम कहीं मेरा सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर जानिए कि सिजेरियन के कुछ इंडिकेशन हैं। कभी भी डॉक्टर बिना किसी इंडिकेशन के आपका सिजेरियन या ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई इंडिकेशन आता है जिससे ऐसा लगता है कि माँ और बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन डिलीवरी ज़रूरी है, तभी हम आपका ऑपरेशन करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका सिजेरियन करना पड़ सकता है। पहला, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब होता है कि बच्चे की धड़कन कम हो जाना या बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाना। जब आपको लेबर पेन्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उस समय अगर बच्चा उस दर्द को नहीं सह पाता है तो हो सकता है उसकी धड़कन कम हो जाए। और अगर धड़कन कंटिन्यूसली कम हो रही है, परसिस्टेंटली कम बनी हुई है, तो उस केस में हमें बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। सेकेंड, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर का मतलब है जैसे आपको सुबह से दर्द आ रहे हैं, आपको दर्द की दवाइयाँ दी जा रही है, दर्द आपके बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, 6-7 घंटे हो गए, आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर आपका डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर है तो वो कंटिन्यूसली 3-4 में है, या आप एडवांस लेबर में भी आके बच्चा पुश नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा आगे नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है और इसे हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। थर्ड, मिकोनियम स्टेन लाइकर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चे ने पॉटी कर दी है। जब बच्चा अंदर पॉटी कर देता है तो जो पानी होता है वो थिक ग्रीन कलर का होता है। हम जनरली पेशेंट को दिखाते भी हैं कि देखिए ये कैसा पानी ग्रीन कलर का हो गया। और अगर बच्चा अंदर इस पानी को एस्पिरेट कर जाता है तो उसके लंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उसके NICU में भर्ती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर बच्चा बहुत अर्ली लेबर में ही मिकोनियम स्टेन लाइकर हो गया है और बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो हमें सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। देन कुछ पोजीशन ऐसी होती है जिसमें बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर बच्चे का सिर ऊपर है, जिसे हम कहते हैं ब्रीच पोजीशन, इसमें पहले तो आएगा पैर और ये, और सिर कई बार कुछ केसेस में फंस जाता है। इसलिए अगर सिर लास्ट स्टेज में फंस जाता है तो बच्चे को एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया और ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी और बच्चा उल्टा है तो सिजेरियन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से अगर बच्चा आड़ा है, बच्चा टेढ़ा है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। देन CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, इससे हम तब कहते हैं या तो आपके बच्चे का साइज बहुत बड़ा है कि बच्चा 3 से 4 किलो का है, 4 किलो से बड़ा है, या बच्चा नॉर्मल साइज का लेकिन आपके नीचे का रास्ता बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बच्चा नीचे नहीं आ पाएगा या बच्चा उस छोटे से स्पेस को निगोशिएट नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। देन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है, प्लेसेंटा मीन्स होती है एक ऐसा ऑर्गन जो बच्चे को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई करता है, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में आवल भी कहते हैं। जो अगर बच्चेदानी के मुंह, जहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है, अगर उस पोजीशन पे रह जाए तो बच्चा बाद में डिलीवर होता है और ये प्लेसेंटा पहले डिलीवर होती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर ये पहले डिलीवर हो जाएगी और बच्चा अंदर रह जाएगा तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई बच्चे को डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर प्लेसेंटा नीचे है, बच्चा अंदर है, तो आप उसको फर्दर ट्रायल नहीं दे सकते हैं और हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। देन ओलिगोहाइड्रोमियोस। ओलिगोहाइड्रोमियोस का मतलब है कि बच्चे के चारों तरफ पानी कम होना। बच्चे के चारों तरफ पानी होने से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा पानी होने से बच्चा स्लाइड कर जाता है तो उसकी डिलीवरी स्मूथ हो जाती है। अगर बच्चे के चारों तरफ बिल्कुल पानी नहीं है तो बच्चा स्लाइड नहीं कर पाएगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी और ऐसे बच्चे को डिस्ट्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर बच्चे के चारों तरफ पानी बिल्कुल नहीं है या कम है, तब भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। देन प्रीवियस सिजेरियन एंड रिस्क ऑफ स्कार डिहेशंस। अगर आपके पहले कोई ऑपरेशन हो रखा है और आपका स्कार बहुत थिन है, या अगर हम स्कार थिकनेस को भी इग्नोर करें और ये देखें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल चल रहा है, उस समय बच्चे को कोई डिस्ट्रेस हो रहा है या आपके टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स लगते हैं जिससे ये लगता है कि अब स्कार टूट जाएगा या जो पहले के टाँके हैं वो टूटने वाले हैं, तो उस स्थिति में भी आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड ऐसा ऑर्गन है जो बच्चे को माँ से अटैच करता है। ये कॉर्ड कुछ केसेस में जब बच्चा बहुत ऊपर होता है तो बच्चे से पहले ये कॉर्ड ही नीचे बच्चेदानी के रास्ते से निकल जाती है। अब ये कॉर्ड निकल जाती है क्योंकि ये कॉर्ड ही बच्चे को ब्लड सप्लाई कर रही थी, तो कॉर्ड निकलने से बच्चे को एस्फिक्सिया, रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाती है और इस केस में भी आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करवाना पड़ता है। थैंक यू।